शीतवाणीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मलक अदील, मैं अपने चैनल मलक अदील के साथ आज की एक नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम आपको इलाका लोरा की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक तिब से है और माशाल्लाह तिब के मैदान में एक ख़ास मकाम रखते हैं और इनकी नस्बत सादात ख़ानदान से है। तकरीबन 30 साल से ये इलाका लोरा में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब पीर अनवर शाह गिलानी साहब, अरफ आम में इन्हें चनाली वाले पीर भी कहा जाता है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मरीज़ों को देखते हैं, मंगल और बुध को। यकीन मानिए कि बेतहाशा इनके पास रश होता है। हमें भी बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है, तो आइए इनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब क्या हाल खैरियत थी? अल्लाह ने करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और से ठीक ही? अल्लाह ना फजल, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तुसा तिबन सफर कितने अरसे तू शुरू किया और इसने पीछे शौक सा या क्या वजूहात थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। जहाँ तक तुसने सवाल न था लगा शौक ना, शौक भी है, ज़ौक भी है और ये ज़रूरत भी है। ये असल अबाओ इजदाद तू ये कम आ और तकरीबन 1830 ने जमाने विच असल ने बदल जड़िया वो इलाका लोरा चनाली तशरीफ आवरी हुई। माशाल्लाह। गौसे जमान भी से, आलम दीन भी से और हकीम भी से, रूहानी हिकमत भी, रूहानी भी इलाज था और साथ है जिस्मानी इलाज भी। अच्छा, ये माशाल्लाह तिब हिकमत तुसा की विरासत विच मिली? विरासत विच अल्हम्दुलिल्लाह माड़े अबाओ इजदाद जेड़े है वह भी सारे इस तिब नाल वाबस्तगी सी। और उसके बाद यह है कि भाई मेरी वालदा साहिबा जड़े से वो भी बहुत बड़े अपने वक्त ने जमाने ने हकीम से और बेशुमार लोगों बच्चों ने औरतों ने उन्हें इलाज किया और आज भी लोग जड़े उन्होंने अच्छी दवा याद करने। कुछ इसने अंदर तालीम ने भी जरूरत पैनी, कुछ तजर्बे ने भी जरूरत पैनी। दो चीज़ा जो इंतहा जरूरी हैं कि तालीम भी है तजर्बा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह के एक पसमानदा इलाके ने अंदर रहने जी मुनासब जरूरत मुताबक की तालीम वो भी हासिल की थी और उसी बात और तजर्बा जड़ा था वो भी अल्लाह तबारक व ताला ये मौका फराम किया तजर्बे ने। अच्छा, ये इलाका लोरा विच लोगों की खिदमत करने तुसा ना कितना कर सकी गया? पहली गल तो ये कि मैं इलाके लोरे नहीं हाँ। अच्छा। चनाली इलाका लोरा ही है, क्या समझो? इलाका लोरा ही है और ये समझो कि भाई मैं जितना भी वक्त गुजारिया अपना वो इलाके ने अंदर ही गुजारिया, तिब ने भी और ये जो था समाजी कारकुन नहीं है सीयत नाल भी मैं ये रहा, कौंसलर भी मैं रहा, इलाके लोरे च ही रहा और मैं अपनी जो खिदमत करी सकने से खैर ख्वाही इलाके नहीं करी सकने से वो इंशाल्लाह कीती और आइंदा भी ता हयात इस मुसम्मा मेरा था। अच्छा, ये
हफ्ते भी दो दिन तुसें रखे वे, बाकी दिन हफ्ते ने क्या मसरूफियात होनी? जुमरात जुमा जी है वो मैं छुट्टी करना इस वास्ते कि बाकी मामलात दुनियावी भी लोगों ने बहने खलने ने उन्होंने तलक वास्ता कमियां बेशियां भी करनिया पैनिया नाल इस तरीके नाल ही कि इलाके ने अंदर जोड़े झगड़े होने अपने ग्रां गिरदो नवाह भी उन्होंने झगड़िया या जिरगिया ने खातर हो जुमरात जुमा जड़ा थे नाले दवाइया भी आननिया पैनिया कुछ बनानिया पैनिया तो इस वास्ते ये है कि भाई वो जुमरात जुमा में छुट्टी करना हफ्ता एतवार सोमवार अपने चनाली वाले दवाखाने बैठा होना नाले कुछ किताबा दिठिया पढ़िया ठीक है ना तारीख दिठी हदीस दिठी तफसीर दिठी तर्जमा दिठा ठीक है ना तो ये भी माड़ा ये मुश्किल होना तो उस तो बाद इस तरह गल नहीं इलाज मुआलजा भी अच्छा माशाल्लाह एक सवाल की कि नाल सोशल वर्कर भी आ लोगों ने माशाल्लाह सोशल वर्क भी करने आ और चनाली ने उस जिक्र किया कि बाकी दिन चनाली भी देने आ यानी कि अगर कोई बंदा इस तरह ना दूर थी अच्छी किसी ने उसकी ना पता वै कि भाई मुगल दिन के अलावा अगर अच्छी किसी है तो तुम चनाली मुयसर हो ही सकने माशाल्लाह ये बड़ी बात ही। अच्छा माड़ा अगला सवाल यह है जनाब अली कि मौजूदा दौर लोगों का जो रुझान आिबती हटना पाया वो उस तरह ना रुझान ने ज़्यादातर लोगों का जो रुझान आ बस गोली टीके दरा बस टीका लवाया तो बस आराम हो गया इस हवाले तुसा क्या कोई पैगाम देना चाहता? इलाज ना मसला मसाइल जरा वो इस तरीके नाल है कि अंग्रेजी दवाई जी है इस्तेमाल की गई उस ना फौरी असर होना मरीज की दर्द आ तकलीफ ही तो वो उसकी आराम होना तो वो उस दर्द दौड़ना उसने साइड इफेक्ट कम देखने साइड इफेक्ट क्या समझो तो बाकी इस तरीके नाल फितरत जी है ना फितरती इलाज जरा थे वो तिब्बा जड़ी बूटी और अल्लाह तबारक व तआला ये मर्जा पैदा कीतियाँ जड़ा जिस इलाके ने अंदर पैदा होया उसने उस मर्ज ने इलाज अल्लाह तबारक व तआला उस इलाके की जड़ी बूटी ने अंदर रखा क्या समझो तो इस तरीके ना ये रुझान ना मसला ये रुझान कुछ अरसे तो बुनिया और दूसरी गल ये कि बैन अलावामी सतह पर जड़ा थे ना ये मेडिसन ना जड़ा थे वो पूरी अप्रोच ही उन्होंने दस सरप्रस्ती है और जड़ा तिब्बा या दीनी तालीम ही हम दसो अंग्रेजी तालीम हासिल करने की सरकारी स्कूल जड़े है कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मिल सौ लेकिन दीनी तालीम हासिल करने की मदरसे मस्जिद में रुटियां मंगी खाई तो तुसा की पढ़ना पेशी इस तरह तिब जी है हाँ तो उलमा इकराम तो इस तरह तिब जी थी ये भी वो निज़ाम आ जिसकी तबीब जो थे वो अपने तौर पर अपनी मदद अपने ताप इसकी जिंदा रखिया ने ठीक है ना चाहे वह तिब नबी है यूनानी तिब है या ये हिंदुस्तान ने आयुर्वेदिक वह इसकी खुद कार ए दो जरिए एक दीनी तालीम एक तिब जड़ी है सही ये उधरी उलमाए कराम इधरी उकमा माशाल्लाह ये जड़े है इन्होंने कुर्बानियां ही जिस वजह तू ये जड़ा थे जिंदा वरना जे कदे अंग्रेज ना या ये जड़ा बैलन कौमी सतह है इस विच ये आ कि भाई तिब जिंदा ना रहे दीन दीनी तालीम ना नामो निशान ना। अच्छा जनाब एक बड़ा एक अहम सवाल आ कि मैं दसा जनाब कि तुसा मरीज नी तशीस किस तरह करने या नब्ज दिखने या ये बहुत सारे अलूम है अद्वियात ने अंदर भी अलूम है ठीक है ना यानी हर दवाई की मसले करी उसने इसलाह करी तो उसकी इस्तेमाल करना दूसरा मर्ज की मालूम करना इस बाब अमराज की मालूम करना ये एक तो यह आ कि भाई उस इल्म ने लिहाज नाल दूसरा इल्म क्याफा ठीक है ना इल्म क्याफा ने लिहाज नाल
वो मर्ज की जरा थे पहचानता है किसना जदीद दौर में अंदर बड़े टेस्ट है बड़े टेस्ट है जिसने जरिया वो मालूम किया किसना कि भाई इस शख्स की क्या तकलीफ ही ए दर्द दसना है समझियो। लेकिन आज तू पहले आदम अलैहिस्सलाम तो कि नहीं इस वक्त तक जो नस्ल इंसानी बाकी है उन्हें पिछले ना कितने एक टेस्ट होने रहे ठीक है ना। कुछ मरीज ने गल्लां बताई दसियां उस पर जजमेंट करी तो अखज़ किया किसना कि भाई ये क्या कुछ मरीज ने हालत की जरा दिखी थे कुछ उसने जड़ा मजाज आ सही ठीक है ना उसकी दिखी तो उसने मुताबक फिर वो इलाज तजवीज किया किस। अच्छा जनाब एक और सवाल आ कि तिब तो इलावा रूहानी इलाज भी करने या कोई दम तावीज़ वगैरह रवानी इलाज असा अबाओ इजाद ना कि भाई असा दम दरूद भी करने हैं अगर कोई इस किस्म ना वह जिसकी आसेब ज़्यादा होने उसने इलाज असा अबाओ इजाद तो करने हैं और ये असा कोई इसने अंदर किसी किस्म नहीं कोई तो हम ना शिकार जो लोग उन्होंने इलाज तो नहीं हो सकना पर जो मर्ज ने अंदर मुबतला आ उसने इलाज जरा रूहानी भी करने हैं और जिस्मानी भी करने हैं फर्ज बनना और इसने अंदर खैर ख्वाही है तो लालच भी ना करने इस है कि अल्लाह तबारक व तआला जी रिजक लिखा वो हर लिहाज न अल्लाह तबारक व तआला बाम पहचाने। दूसरा कनात जड़ा अल्लाह तुमने नसीब ही लिख सटिया उस पर सबर शुक्र कर सो कनात है ठीक है। मैं हूँ इतना दिहाड़ी मरीजों की रश होनी अगर मैं पैसे कमा ना फीसा की ना जी जी 10-20-30 रुपये फीसा की ना मैं तो मेरे को बहुत सारे पैसे हो लेकिन मैं फीस ना की ना कोई किसी किस्म ने शेरनी शुकराना दम दरूद ने पैसे ना कि ना इस वस्ते कि भाई असा ने अबाओ इजाद एक गल आखी कि भाई ये तुसा आवाम नहीं कौम नहीं इंसानियत नहीं खैर ख्वाही कर सो खिदमत कर सो खिदमत भी चजमत माशा। अच्छा ये मौजूदा कोरोना की वबा जी चलनी पी इस ने हवाले नाल तुसा कोई तिबी टोटका या कोई एहतियाती तदबीर अगर कोई दसना चाहते। सुपरदम बतू बिल इलाही सुपरदम बतू बिल यकीन हमाकार दुनिया हमाकार दीन अगर तुसा अल्लाह ताला ने सपर्द करी सटो ये सारिया चीज़ा यकीन नाल ते अल्लाह तबारक व तआला उसने अंदर तुसा की महफूज रख सो ठीक है ना। तो दूसरा तिबी लिहाज ना ले कि भाई ये जड़ी वबाई ये वायरस है उस वास्ते ये गुलाब ना फूल तो सलाह इसकी काढ़ी तो पियो वो जरासीमा ही खारज कर सकते हैं। अच्छा ये सना मकी सना मकी जी अच्छा। उसके बाद कलवंजी है कलवंजी सवाए मौत तो हर बीमारी ने इलाज है ठीक है ना। तो इस वास्ते ये आ कि भाई ये कदे इस्तेमाल किया गया है एहतियात भी बरती गया है तो करोना करने किसी आखना तो करोना असल जिस तरीके नाली के दीन तू या अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला की ना याद करने ना ये भी असर की एक सजा ही जब भी कोई मर्ज अशनी तुसा कदे हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस कौम ना वाकयात की पढ़ो तो तरह तरह ने उन्हें पर जवाल आए उन्हें पर अजाब आए वो इन वजह तो आए ये भी एक अजाब आ और असने अमाल ना अजाब आ तो अगर अस अपनी इसलाह करा तो इसनी भी इसलाह हो गई सी ये दूर हो गई सी अस अपनी इसलाह न करने करोने नहीं इसलाह करने तो वो फिर असें दवाई की माशाल्लाह। अच्छा जनाब ये मैं तुसा एक और सवाल है माड़ा कि तुसा तिबनी जी डिग्री हासिल की थी एकड़े अदारे चु हासिल की थी तिब नबी जी थे ना वो गुजर खान जड़ा थे वो असने एक अदारा अच्छा वो कॉलेज आ उस चुकी थी
कानून मुफरत आजार ने जो कॉलेज आ उस में की, लेकिन इस ज्यादा जरूरत में की महसूस ही सस्ता नहीं हुई कि जिस दौर में मैं मिसाल के तौर पर इस तिब ने अंदर आया उस दौर बिच इस इलाके ने अंदर जो था वो तालीम जी थी सी ज़्यादातर घर ने अंदर घर ने अंदर सी कह समझो जिस घर ने अंदर मिसाल ने तौर पर 24 घंटे एक सबक मिलना वै उत फिर दूर जुलने की जरूरत नहीं। ये लड़का फिर माड़ा में इसकी फाजिल तिब कराया तिबिया कॉलेज अजमल तिबिया कॉलेज रावलपिंडी चो उन्होंने लोगों नाल माड़ा भी राबता रूबता सा ठीक है ना। मैं उत पिंडी बहना भी सा हफ्ते च एक दिन क्लीनिंग सा एजेंसी अशरफ लिबार्टरी मरीज भी चेक करना सा और प्रोफेसर भी इसने से कॉलेज ने जो बाकी लोग से वह भी इसने से जिस जरा हूँ उत बैठा शागिर्द माड़ा वह भी प्रोफेसर आ अच्छा इस वास्ते यह कि भाई ये चीज़ा जड़िया थी वो जरूरी नहीं है कि भाई एक आदमी डिग्री चाहिए ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਜਰਬਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨੇ ਆਤੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਈ ਇਸਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਦੁਆ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਸਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਕੀ ਪਗੜੀ ਕਿਨੋਂ ਗਲਤ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇਸ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਉਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਨੇ ਦਿਖਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ टेबल उपर एक किताब नजर रचनी पी तो तुसा माशाला किताब ने मुसन्नफ भी आ इस किताब ने हवाले नाल दूसरा माड़े व्यूवर्स की मालूम हुई कि छह कि भाई तुसा किस हवाले नाल किताब लिखी केड़ी किताब ने मुसन्नफ आ। हज़रत शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने इलाही पहके बनी फातमा के बर कोले ईमा कुनी खातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामा ने आले रसूल। क्या बात एक और शेरा अगर खाई के आली खानदानम नजर बार खानदान मुस्तफ़ा कुन अगर दानी के गश्तम दर बलाए नजर बार कश्त गाने कर बला कुन। सादात इकराम इस दौर ने अंदर ऐसे बेरा रवि ने शिकार है कोई किस तर्ज ना कोई किस तर्ज ना उसनी वजह तो सादात ना एहतराम जड़ा था वो बहुत कमज़ोर हो गया। इस वास्ते मैं कलम उठाया और सादात ने तज़किराए सादात अनवारुल जमान ने नाम तो एक किताब लिखी इस तो पहले भी ये किताब जड़ी है ये छुपी जिस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत तैयबा आलात और वाक्यात गजवात और अरशादात उसने अंदर में कीते कलम सुपरदे कलम कीते और हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम ने वालदेन और उसके बाद हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन तक और इसने अंदर में शजराजात भी सादात ने लिखी ठीक है ना सही। चाहे वो मिशादी है बखारी है गिलानी है वो सारे ने शजराजात फिर तज़करा तज़करा इस तरीके नाल है कि मैं हूँ माड़ी जी पैदाश ही ठीक है ना उस तो कि नहीं तो हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम तक जी वो जे तारीख ही पैदाश वो भी इसने अंदर दर्ज ही तो माड़ी तो माड़े वालदेन वालद तो कि नहीं तो हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम तक तारीख पैदाश भी तुसा इस दिखी सकने हो पढ़ी सकने हो और उसके बाद जरा तारीख वसाल वो भी इसने अंदर दर्ज आ जगह मदफूनी जगह जिता जिता कुदरे वो होए चूंकि इंसान होना उसने त्रै होने एक हसब होना एक नसब होना एक नस्बत होनी नस्बत सारे लोगों ने कायम ही लेकिन हसब की भी देखना चाहिए नसब नाल और नस्बत की भी जिस आपने नस्बत छोड़ दी थी वो गया बस वो बेरा रवि ने शिकार हो गया। इस वास्ते इसने अंदर
माड़ी जड़ी असब नसब और नस्बत त्रै चीज़ा जड़ियाँ थी और मैं सादात आस्तै सबक ठीक है ना ये कीता और तुसा इस अंदर पढ़िया भी उसी पढ़ी भी किने हो ठीक है ना सही। तो मिगी ए भी ते बाकी बुजुर्गान ने दीन नाल भी बड़ा प्यार आ मैं इस किताब ने ए, ए, इस पुस्त पर लिखा जी ये हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ना ये कलाम आ सल्लल्लाहु अला नूर इन कजो शुद नूर हा पैदा जमी अज हुब उसाकन फलक दर इश्क उ शैदा ठीक है ना माशा ये आखर विच से सरे सीना अश जामी अलम नश रख लका बरखवा जे मेराज चे पुरसी के सुबहान लजी असरा माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या आला ज़ोक है जनाब आप ठीक है इस किताब ने अंदर कुछ शेर व शायरी भी मैं की थी अलम में शायर ना जी तो पीर तरीकत जो उन्होंने भी कोई इस तरीके ना जाहिर भी होना बातन भी हो मैं चूंकि जाहिर भी अपना ना बनाई सकिया बातन तया खाली है माशाल्लाह ये तो जनाब जनाब ना जरफ है ना तो इस वास्ते मामलात जड़े है इतने सारे अच्छा जनाब और माड़ा आखिरी सवाल है चूंकि तुसाना वक्त भी बहुत कीमती है अज इन नस्ल कोई तुसाना पैगाम तिबने हवाले नाल या रूहानियत ने हवाले नाल चूंकि माड़े वीवर्स अक्सरियत दिख सन जड़े ताकि उन्हें की कोई तुसानी तरफों कोई पैगाम भी जुले दाना लोग ना एकोला के परहेज इलाज तो बेहतर आ पहली गल यही कि परहेज किया गया है ठीक है ना और परहेज तो बाद गल सारी इशनी तीसरी ये आ कि तिबना ये कानून आ कि इलाज बिल तदबीर इलाज बिल गजा इलाज बिल दवा दवा ना जड़ा था और दर्जा तीसरा पहले इलाज बिल तदबीर करो तदबीर नाल इलाज करो दवाई ना दो तदबीर नाल इलाज करो तद इस चीज़ की भी छोड़ दिता गया तदबीर इख्तियार करनी चाहिए हाँ तदबीर की भी छोड़ा गया फिर गजा की जड़ा था ना गजा ने अंदर रद्दत बदल भी करना और गजा ने अंदर एहतियात भी करनी इन्हें कि भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद आ कि खाने वास्ते न जियो जीने वास्ते खाओ ठीक है ना खाने वास्ते न जियो जीने वास्ते खाओ एक तो यह कि गजाइयत ने अंदर असा की बड़ी एहतियात करनी चाहिए है और फिर जिसले ये दो चीज़ा जड़ियाँ असा इलाज ने अंदर पूरियां करी रहे तो तीसरी नहीं जरूरत पी किसी तत्व दवाई तो इन सारी दवाई पर तदबीर पर कोई नया इलाज बिल गजा भी कोई नया परहेज भी कोई नया बस इस तरीके नाल ना हिकमत ड्राइवर ना इंजन का कमाल चली जा रही है ये खुदा के सारे कसम जो ये कर माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब मेहरबानी शुक्रिया तुसा वक्त दिता तुसा अपना कीमती वक्त चू आसा वक्त कढ़िया और मैं तुसा ना बहुत मशहूर है और नाल ही मैं अपने कैमरामैन जनाब अरुण कुरैशी साहब जड़े मेरे नाल आए और उन्हें वक्त दिता इस चैनल आस्ते मैं बहुत मशहूर हाँ जनाब तुसा ना भी लिहाजा मैं इसकी ज़्यादा अप्रिशिएट करना माशाल्लाह जी माशाल्लाह और मैं आखिरी अपने व्यूवर्स की पैगाम देना चाहना कि इस चैनल की सब्सक्राइब करा अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करा और पसंद आने वाली वीडियोस की लाइक और शेयर ज़रूर करा जज़ाकअल्लाह खैर फ़ी अमान।